औरंगाबाद का जो लॉकडाउन जो कैंसिल हुआ स्थगित हुआ हम उससे बहुत खुश हो गए। हम तमाम व्यापारी यहाँ पे सिटी चौक के अंदर हम लोग पहले परेशान हैं, पब्लिक नहीं है, सब नाकाबंदी कर दी तो पब्लिक आने वाली नहीं बाहर गाँव से, हम क्या धंधा करेंगे। आपको अगर करना है प्रशासन को तो आप जाके मेडिकल हॉस्पिटल जो खोल के रखे हुए डॉक्टर भर्ती करो, वहाँ पे उसका काम करो। तुम ये लोगों को लॉकडाउन करके ये बंद करके क्या मतलब आ रहा है? छोटे मोटे काम करने वाले रोज़ के 300 रुपये 400 रुपये बच्चे कमाने वाले कहाँ जाएंगे आप लोग बताओ ना। आपने अब ये लॉकडाउन करके और परेशानी हो जा रही है आपकी, पेट्रोला बंद कर दिए, हर चीज़ बंद करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग आपको अगर काम करना है तो लॉकडाउन करना है तो आप इस चीज़ के अंदर आप पहले ये लोगों की कंपनियाँ बंद करो बड़ी बड़ी, वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हो लोग और धंधा कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग छोटे मोटे धंधे वाले क्या करेंगे? एक तो सुबह से धंधे नहीं हो रहे, एक एक दो दो बजे पब्लिक आ रही मार्केट के अंदर, और ये मास्क लगा के तुम इसको कंट्रोल करो। दवाखाने बड़े बड़े खोलो, बिल्डिंग बना के रख दी है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, घाटी का हाल देखो। प्राइवेट में जाओ तो तुम एक एक दो दो लाख रुपये जमा करो, हम लोग क्या करेंगे गरीब लोग? बड़े बड़े लोग कार वाले को पैसे दे देंगे, वो छोटे मोटे धंधे करने वाले कहाँ से पैसे देंगे साहब? पहले ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग का गवर्नमेंट की आपकी जो हॉस्पिटल खोले हुए ये पहले ये तो चालू करो आप। क्या लॉकडाउन होना क्या नहीं होना? लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, पहले तुम इसके ऊपर वैकेंसी जो करना है तुम करो, मगर लॉकडाउन के हम खिलाफ है और ये लॉकडाउन जो खुल चुका है कल जो बयान आया रात में 10 बजे, हम इससे खुश है, सब व्यापारियाँ खुश है, छोटे मोटे धंधे करने वाले थोड़ा बहुत कमाएंगे, हमने नौकरा रखे हुए कम से कम उनका तो रोजी रोटी चलेगा, पहले परेशान है लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। क्योंकि गौर गरीब लोग हैं, हम लोग दुकानों में काम करने वाले हैं, हमारे को क्या पिछले साल के लॉकडाउन से अभी हम चाहते घरों के अंदर अभी उभरे नहीं, किसी को कपड़े नहीं बने तो खाने को नहीं है, तो कपड़े नहीं बनते, कपड़े बने तो खाने को नहीं रहता, इसलिए हमारा ये है कि भाई लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन खुला रहना चाहिए, बाजार मार्केट पूरा खुला रहेगा तो हमारी रोजगार रोजी रोटी चलेंगी हमारी। बाकी का हम कुछ नहीं चाहते कि भाई इंटेलिजेंस साहब का भी हम शुक्रगुजार करते, कलेक्टर साहब का भी जो उन्होंने जो फैसला लिए है इसके बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि भाई बहुत अच्छा फैसला लिए उन्होंने, क्या आइंदा भी कहा सुना लॉकडाउन नहीं लगाते हुए इसी तरह से। देखिए अभी 12:01 बज गया, अभी तक कोई मार्केट में गिराकी नहीं, कुछ भी नहीं है, हमारी 2-3 घंटे की गिराकी रहती है, उसी के अंदर क्या चाहिए सेठ लोगों के धंधे में तो हमको तनख्वाह देंगे, अगर इन्हीं के धंधे अगर कारोबार नहीं चलेंगे तो हमारी रोजी रोटी कहाँ से चलेंगे, हमारे को इन्हों कहाँ से ला कर देंगे हमारे कि भाई हम घर में बैठ जाएंगे लॉकडाउन के अंदर, तो इनको बोलेंगे पैसे तो बोलते हैं कहाँ से देंगे दुकान का किराया। तो बस आपसे इतना ही है कि लॉकडाउन ना लगे और दुकान किराया और कुछ नहीं, दुकान के किराए हैं, लाइट के बिल हैं, आदमियाँ हैं, एक एक के दुकान में कम से कम 10-10, 15-15 आदमी का स्टाफ है, एक एक की तनख्वाह क्या 8-8, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार रुपये पेमेंट है, धंधे नहीं है नहीं, आपसे इतनी चिंता जाए इतनी रिक्वेस्ट है कि भाई लॉकडाउन ना लगाते हुए क्या सो इसी तरह से चलने दें बस। और दूसरा कुछ क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयूब खान। इसलिए आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहली बात तो हम इम्तियाज़ जलील साहब का और उनको जितने लोगों ने समर्थन दिए अफसर खान वगैरह, हम इन तमाम का शुक्रगुजार है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग एक जगह आए, इत्तेहाद से इन्होंने काम किया, अल्लाह का शुक्र है कि आज लॉकडाउन हट गया और कल रात में ही हमको खबर मिल गई थी कि लॉकडाउन कैंसिल हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रात से ही बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास है कि बहुत से चीज़ें ऐसी थी जिसके अंदर गवर्नमेंट पुर नहीं सकती थी, जैसे मिसाल के तौर पर पिछला साल जो लॉकडाउन लगा था उसमें पूरे औरंगाबाद के तकरीबन मालदार लोगों ने हिस्सा लिए थे, उसके बावजूद भी कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ कोई पहुँच नहीं सक रहा था। तो सुनील केंद्रेकर साहब जो कह रहे थे कि हम लोग NGOs के ज़रिए से खाना पहुँचा देंगे, मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन बहरहाल हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं गवर्नमेंट के भी और ख़ासकर इम्तियाज़ जलील अफसर खान वगैरह का कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास करते हुए और लोगों के दुख दर्द को समझते हुए और गरीबों के दुख दर्द को समझते हुए इन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला लिया और लोगों ने जो उनका साथ देने का वादा किए थे हम उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी हिम्मत जताई। हालांकि बहुत से लोगों ने हिम्मत पस्त करने की कोशिश की कि पुलिस केस करेंगी या फ्ला करेंगी, ऐसा करेंगी वैसा करेंगी, उस वक्त क्या करेंगे, लेकिन ऐसा है कि कुर्बानी नौजवानों को ही देना पड़ती जब ही जाकर इनकलाब आता है, तो अपने नौजवान जो कुर्बानी देने के लिए तैयार थे अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकलाब की शक्ल में कि लॉकडाउन अपने औरंगाबाद से हट गया है
और तमाम लोग अपने कारोबार में लग चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम जितनी भी गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल करते हुए आगे कामकाज करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह कोरोना को इस दुनिया से ख़त्म कर दे। और ये आलमी साजिश है या जो कुछ भी है, लेकिन मेरी एक बात है, मैं एक बात खुल के रखना चाहता हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन करवा दिए जाए, क्योंकि हमने देखे जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है वहाँ से कोरोना भाग जा रहा है। तो उसको भगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि इलेक्शन कराया जाए औरंगाबाद में महानगर पालिका के, इंशाल्लाह ऑटोमेटिक कोरोना भाग जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम सैयद जुबैर है, मैं सिटी चौक से हूँ और अलहमदुल्ला काफ़ी तादाद में कल बच्चे हमारे पीछे आने वाले थे, लेकिन हमने लोगों की तरह जाहिर नहीं किए और जो कुछ भी हुआ अलहमदुल्ला अच्छा हुआ। जो भी फैसला आया उसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं तमाम लोगों के, अल्लाह ताला खैर का मामला करे। लॉकडाउन हुआ अच्छा हुआ है, हम व्यापारी लोग हैं, वैसे हमारे दुकान के 2 महीने के भाड़े तके वाले हैं, अभी आज अच्छे धंधे चलने लगे और अच्छे धंधे चलने इसलिए अच्छा हुआ है। चाय का व्यापार है आपका? हमारा चाय का दुकान है भैया, अच्छा बजाज नगर। क्या लॉकडाउन लगना अच्छा था कि नहीं लगना? नहीं लगना अच्छा। क्या क्या वजह? लॉकडाउन लग गया तो सब लोग मर जाएंगे। क्या नाम आपका? हाँ नाम क्या आपका? प्रवीण दगरूपाई डंपगारे। Get it.